अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल यूसुफ व्लॉग। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, जिसमें पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है 33 रन से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने मैच देखा, पहले तो बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हुई, पता चला, सुनने में आ रहा था कि 33 रन चाहिए एक ओवर में, 29 रन चाहिए एक ओवर के अंदर। और इसके बाद फिर बारिश ख़त्म हो गई और यह है कि पाकिस्तान को जीत हासिल हो गई है। अच्छा, अब मैचेस रह गए हैं दो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराता है और जिम्बाब्वे जो है वो इंडिया को हराता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में एंट्री मार जाएगा। अच्छा, अब जो है वो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से पाकिस्तान के जो पॉइंट्स है वो 1.12 है और साउथ अफ्रीका के है जो 1.44 है और जो है वो इंडिया के जो है वो 0.72 है। तो इसी तरीके से अगर ये दो मैच, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है और जिम्बाब्वे इंडिया को हराता है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारता नहीं तो आज ही हम लोगों को दिन नहीं देखने पड़ते कि जिस तरीके से हम लोग रिंग रिंग के पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से इन लोगों ने खेला है। से बात करेंगे तो बैटिंग में इस दफ़ा आज बाबर आजम भी नहीं चला, आज रिजवान भी नहीं चला, आज इफ्तिखार चल गया, शान मसूद भी नहीं चला, शादाब बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। तीन शादाब कहीं ना हर मैच में चल रहा है, नहीं देखा जाए तो वो ना अगर बैटिंग में नहीं चलता तो बॉलिंग में चलता है। आज बैटिंग में भी चला और बॉलिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से चला। इफ्तिखार बहुत अच्छा चला। इफ्तिखार मेरे ख्याल में चार मैचेस हुए, चारों मैचेस में से खाली एक मैच में चला, लेकिन चला नो डाउट। और शाहिनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहिनशाह के बाद वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो अगर इसी तरीके से अगर हम अगले मैच जीतते हैं बांग्लादेश के खिलाफ और जिम्बाब्वे अगर हारता है इंडिया से, इंडिया को हराता है तो हमारा चांसेस सेमीफाइनल में और इंडिया आउट हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने एम्पायर को जितना पैसा दिया वो सारा पैसा उनका बर्बाद हो जाएगा। और इंशाल्लाह यही होगा कि जिस तरीके से विराट कोहली ने जो बेईमानी की तरीके से मैच जीता है पाकिस्तान का, और बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने इसी तरीके से किया, नो बॉल के सारे ये लोग मैच जीते हैं। तो इस तरीके से अगर ये लोग खेलेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बाहर होंगे और वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होगा। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। और कौन कौन मेरा साथ देगा, कौन कौन मेरे साथ है जो कहता है कि भाई वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।